उमरखेड़ नांदेड़ से नागपुर के लिए आज सुबह निकली बस यवतमाल जिले के उमरखेड़ के समीप एक नाले में बह जाने से 3 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। ये बस नागपुर डेपो की थी तथा मंगलवार सुबह 6 बजे नांदेड़ से नागपुर के लिए निकली थी। बस चालक की घोर लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। बस में 6 यात्रियों के सवार होने की जानकारी नागपुर डेपो से मिली है। चक्रवात के चलते मराठवाड़ा तथा विदर्भ के कुछ जिलों में बारिश जारी है। कई नदी नाले उफान पर है। आज सुबह नांदेड़ से निकलने के बाद पुसद होते हुए नागपुर आने निकली एसटी बस के चालक ने उमरखेड़ में 2 किलोमीटर पहले दहागांव के पास नाले पर से बाढ़ का पानी चान के बावजूद दुस्साहस का परिचय देते हुए बस को पानी में डाल दिया। पुल की ठीक से जानकारी नहीं होने में बस पुल के नीचे गिर गई, जिसमें 6 यात्री सवार थे। बस क्रमांक MH14 बोटी 5018 को बाढ़ के पानी से बाहर निकालने की चालक ने भरकस कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। बाढ़ के पानी का प्रवाह तेज होने से बस पानी में बह गई। बस में सवार 3 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि अन्य 2 लोगों को बचाया गया है। चालक के रास्ता भटकने के बाद कई लोगों ने चिल्लाकर उसे सचेत करने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माना। कुल कितने यात्रियों की मौत हुई है ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बचाव कार्य शुरू रहने की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दी गई है। गेली 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 खाली गेली खाली गेली गाड़ी ये गाड़ी ये मानस बसून आता गेली गेली।